श्री महाबली सिंह जी, सभापति महोदय, सहारा समूह में देश के करोड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसा को बचत करके इन्वेस्ट किया था, जमा किया था। महोदय, उनकी मैच्योरिटी भी पूरी होने के बाद आज करीब 12 साल से सहारा समूह के देश भर के निवेशक धरना, आंदोलन, अनशन, प्रदर्शन करते करते महोदय कम से कम जो जमा किए हुए हैं सभापति महोदय, आंकड़ा के अनुसार जमा किए हुए लोग इलाज के अभाव में अपनी बेटी के शादी करने के लिए जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल पाया, जिसके चलते अब तक हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं देश में। लेकिन इसके बाद भी आज तक सहारा समूह ने इन्वेस्टरों को पैसा आज तक नहीं मुहैया करा पाई महोदय। जबकि स्थिति है महोदय कि इस जो सहारा समूह है, जो हमारी सरकार है, एसएबी, सुप्रीम कोर्ट, सहारा के मामले में फंसी हुई है, और जो इस देश के सहारा समूह में जो निवेशकों ने पैसा किया वो पैसे के अभाव में आज खाने बिना महोदय मर रहे हैं। इसलिए महोदय हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि देश के जो आम गरीब जनता है उसका क्या गुनाह है महोदय? उसने तो अपना पैसा जान करके इसलिए इन्वेस्ट किया था कि ये सरकार का एजेंसियां हैं, ये पैसा मेरा डूबेगा नहीं। लेकिन उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार उन इन्वेस्टरों को पैसा दिलाने में अपने को असमर्थ साबित हो रही है, जिसके चलते आज बहुत बड़ी स्थिति दयनीय है। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टरों को, जहां तक सवाल है महोदय, मुझे जानकारी है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टर यूपी और बिहार के हैं। यूपी के कम से कम महोदय, एक मिनट, बहुत गंभीर मामला है। यूपी के कम से कम 85 लाख लोगों ने 2200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। बिहार के 55 लाख लोगों ने 1500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। इनमें से कितने लोग पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ दिए महोदय? इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कुल काम, सब काम छोड़ करके महोदय, आप ऐसी अपील मत कीजिए। माननीय सांसद, ऐसी सबका अपना विवेक है, सभी माननीय सदस्यों का, आप भेज दीजिए, सिर्फ आप अपने सिर्फ भेज दीजिए।